आपके पास अगेन क्वेश्चन वही आ गया, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, क्वेश्चन फिर वही आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में सोचिए, आपसे कह रहा है बोट गोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है वो बोट की अपनी पर्सनल स्पीड होती है। आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट की स्पीड को हम वाई सपोज करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी 6 + x, अप स्ट्रीम में स्पीड आएगी 6 - x, यस और नो, या वाई ले लीजिए। अगर करंट की स्पीड को हम एक्स ले लें और बोट की स्पीड को 6 ले लें, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बोलिए। भाई बोलो ना प्लीज। नान सर, सर बताओ ना, सही बात है नहीं है। समीर, इल्मा, जुबैर, बिलाल, समीरा, बताइए बात सही है गलत है नहीं। जी। देखिए नहीं। अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछिए दोबारा से। आपने क्या बोला? मैंने क्या बोला, ये भी बात सही है। मैंने बोला 6 + x, 6 - x, सही है गलत है? सही है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू डायरेक्शन ऑफ द करंट। 3 times उसको टाइम लग रहा है, हमें डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, यहां भी डी मान लेता हूँ, तो जाने का टाइम कितना लगेगा कोई बच्चा मुझे बताएगा? डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा इस हिसाब से, 6 + x d के हिसाब से टाइम कितना लगा? अब बताइए ये भी कुछ, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम, आने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो 3 times है डाउन स्ट्रीम के टाइम के, तो क्वेश्चन यहां से हमारा स्टार्ट होता है कि डाउन स्ट्रीम का टाइम है डी अपॉन 6 + x और अप स्ट्रीम का टाइम है डी अपॉन 6 - x, लेकिन अप स्ट्रीम वाला टाइम डाउन स्ट्रीम वाले टाइम के 3 गुना है क्योंकि अपोजिट द करंट जाने में उसे टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये वाला टाइम हमारा डाउन स्ट्रीम वाला 3 है तो ये वाला हमारा 3t है, ध्यान रखना 3 गुना टाइम लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर जाने में 1 घंटा लगा है बेटे तो वहां 3 घंटे लगे, तो ये वाला जो डी बाई 6 - 6 + x है, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ठीक है सही तो लिखा है, तो ये वाला जो अगर हमारा टाइम टी है इसकी मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास 6 + x को हम टी ले रहे हैं, अब इसमें काट दो कैंसिल, डी से डी कट गया, कितना आया भाई 18 - 3x 6 + x, तो 3 4 18 - 6 कितना होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहीं है 3 आंसर? सर सर तो कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? सर ये तो डायरेक्ट 6 - 3 करके भी हो जाता है। हाँ तो उससे भी हो जाता, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया ना बेटे। नहीं सर, 6 किलोमीटर की स्पीड में से -3 किलोमीटर तो कर ही सकते थे, डायरेक्ट आ जाता आंसर 3। क्यों उससे 3 कैसा आएगा, ऐसे मैंने किया नहीं, वो तो डिफरेंस आ रहा है, करंट की स्पीड माइनस के इक्वल थोड़ा ही होती है, वो तो डिपेंड कर रहा है ना कंडीशन पे कि टाइम कितना लग रहा है, उससे हो रहा है।
चलो एक क्वेश्चन और बता। पढ़ते पढ़ते थक गए आप लोग लग रहा है मुझे, काफी दिन हो गए एंट्रेंस की तैयारी करते करते, पेपर हो नहीं रहा है तो बोर हो गए, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। जी यस सर। तो बेटे अपना जो वो है ना डायरेक्शन चेंज कर दो, एसएससी की बहुत सारी जो वैकेंसीज आई हुई है, मैं पहले भी बहुत सारे बच्चों को दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तैयार कर शुरू कर दो, आपको बूस्ट अप मिलेगा। एक साल की ट्रेनिंग करके भी अगर एसएससी सीजीएल टाइप आपने निकाल लिया या जो हो रहा होता है हायर सेकेंडरी वाला होता है वो निकाल लिया, एचजीएस जो होता है, तो ये इन सारे चीजों से बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर। और स्पेशली अपने कम्युनिटी के बच्चे एसएससी में जाते ही नहीं, सब इंस्पेक्टर पोस्ट, सेक्रेटरीट पोस्ट, स्पेशली फॉरेन सर्विसेज की पोस्ट, वो सारी उसी पे बेस्ड होती है। तो अपने डायरेक्शन चेंज कर दो, फिर एक साल की प्रिपरेशन भी कम लगेगी आपको, और फिर ये लगेगा कि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे एक एक क्वेश्चन, ये जो स्पेशली जो बुक है जिससे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये स्पेशली बुक वही है। जब आप यहाँ देखोगे तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ये आपको वही मिलेंगे, देखो। तो अपना डायरेक्शन चेंज कर दो, अब आप फिर सिर्फ जामिया एंट्रेंस के लिए मत पढ़ो, तो उससे आपको बोरियत लगेगी, और दौड़ने के लिए भी मत पढ़ो कि मुझे टॉपिक कवर करना है, नहीं, मुझे इस टॉपिक में मास्टरिंग करनी, इस तरह से पढ़ना शुरू कर दो। ये देखो मैं आया हुआ, देखो एसएससी सीपीओ एसआई एसएससी जीएल, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन ये आया हुआ। तो आपने प्रिपरेशन का वो चेंज कर दो मोटिव बस, फिर आप बोर नहीं होंगे, तो फिर आपको ये लगेगा कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें इतना अच्छा हो जाए कि बस उसे शुरू से लेके आखिर तक आपको आना चाहिए। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन। सर इसका एंट्रेंस सर होगा कब तक? किसका बेटे? जामिया का सर। अल्लाह करे सितंबर में उम्मीद हो रही है बेटे इंशाल्लाह, वैक्सीन भी आने शुरू हो गई है। सर मैंने उसका अभी तो जामिया हमदर्द का ही भरा था, उसकी इन्होंने लास्ट डेट 31 अगस्त दे दी है बेटे, वो एक्सटेंड होती रहेंगे। कल भी मेरे पास किसी का शायद मैसेज था, नहीं एडमिशन तो हो गया, फीस भरने के बाद उन्होंने ये बोला है कि आप 31 अगस्त से पहले रिफंड कर सकते हैं। जी सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। जी बताइए बेटे। सर जैसे हमने फीस तो भर दी है उसकी, उसके लिए उन्होंने ये बोला है कि आप 31 अगस्त से पहले रिफंड कर सकते हैं। कितनी फीस जमा कराई है? सर 90,000। कितनी? 90,000। 90? जी। अल्लाह रहम। कौन से कोर्स के लिए? BA LLB। BA LLB। जी। 90,000 बहुत ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो ये है कि अगर अगस्त में आपके पास आ जाती है कोई डेट तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। वैसे तो ये है कि भाई दिल्ली के अंदर किसी भी अच्छे कॉलेजों में से एक कॉलेज है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, तो अगर किसी और कॉलेज में आप जाएंगे तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, रिस्क लेने में फायदा रहेगा। अगर आईपी यूनिवर्सिटी डीयू या जामिया में होता है तो फिर रिस्क ले लेना कि भाई चलो अगर फाइनेंशियल थोड़ा सा नुकसान हो भी रहा है लेकिन अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात, अदरवाइज किसी एमिटी स्कूल से जाने से तो अच्छा ही है अंदर, तो ये रिस्क लेना चाहो ले लो, अदरवाइज डेट्स बढ़ेंगी बेटे हर जगह, ठीक है, कह लें वो कुछ भी बट सीट्स फिल नहीं होंगी, तो सीट्स फिल नहीं होंगी तो लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहेंगी वहां भी और दूसरी जगह भी। आपने ले लिया एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह? जी। चल कोई बात, वो चीजें एक्सटेंड होंगी बेटे। और दूसरी बात ये है अगर आप फीस रिफंड करते हैं तो लॉ है एक नॉमिनल फीस के अलावा उससे ज्यादा फीस वो रख नहीं सकते, वो हर जगह, ठीक है, अगर कहीं होता है माशाल्लाह मिलता है मौका आपको तो कोई परेशान नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि कम से कम अगर वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं तो वो एड ऑन रहेगा आपके लिए, हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटीज एडमिशन इस बार करें ना करें तो एक अच्छा है आपका, एक साल बच जाएगा, क्योंकि अगर वो एडमिशन फॉर्मेलिटी शुरू करते हैं तो फिर वो क्लासेस भी शुरू कर देंगे ऑनलाइन ही सही जैसे भी हो, तो आपको सेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये फायदा रहेगा। कितने हुए एडमिशन्स कुछ पता है अभी?
सर अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़े बहुत होने शुरू हो गए हैं सर। हाँ, कल मेरे पास एक बच्चे का और आया था, उसका बीकॉम में हुआ है, वहाँ बीकॉम में लिया है उसने सर। वहाँ पे वैसे कल जब हम कल गए थे तो काफी बच्चे थे वहाँ। आएंगे बच्चे तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उतने लेवल पे नहीं आएंगे जिस लेवल पे पहले आते थे। तो सीट 6 बार वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी हर जगह। दूसरी बात ये है आउटसाइडर्स नहीं आएंगे, ठीक है, ज्यादा दूर से इंडिया मतलब आउटसाइड दिल्ली के ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, तो ये चीज हर उसको फेस करना है। मॉनिटरिंग भी परेशानी है फाइनेंशियली, और ट्रैवलिंग भी परेशानी है, और डॉक्यूमेंट्स किसी के कहीं हैं, किसी का रिजल्ट आया है नहीं आया, तो बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, तो वो चीज है। चलो अच्छा है, लेकिन ये है कि हमदर्द जो है दूसरे मायनों में एक अच्छा ऑप्शन है, तो अगर आप थोड़े से भी उससे मुतमईन है तो अच्छी बात है। कोई ऐसा बुरा रिस्क नहीं है, बुरा स्टेप नहीं है लेना एडमिशन। ये सेशनल है, ईयरली इतनी फीस सर पर सेमेस्टर है? अल्लाह रहम, पर सेमेस्टर जी सर। इस सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में लिया पर सेमेस्टर है 90,000 में, उसमें कुछ एडमिशन प्रोसेस होगा थोड़ा बहुत। जी सर, वो लाइब्रेरी की फी वगैरह ये सब चीजें, फिर भी बहुत ज्यादा है। बट वहाँ पे कैटेगरी है अलग अलग, आपका किस कैटेगरी में आया है सर? जनरल नहीं, जनरल में भी उसमें सेल्फ फाइनेंस और उस तरह की कैटेगरी है ना।